हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने कुछ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और आज हम करने वाले एंट्रोपी के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज एंट्रोपी? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे कैपिटल एस से। और ये जो टॉपिक है ना हमारा एंट्रोपी, ये मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इसके बिना हम थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल रिलेशंस को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, और ना ही हम पोटेंशियल्स डिस्कस कर पाएंगे, जो हमारे गिब्स फ्री एनर्जी जैसे पोटेंशियल होता है, हेलमहोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होता है, तो इन सब पोटेंशियल्स के बारे में भी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे विदाउट नोइंग व्हाट इज एंट्रोपी। ठीक है, ओके। तो सब अभी हम बात करेंगे कि हमारे जो एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, एंट्रोपी का हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, अब कई सारे टीचर जो एंट्रोपी का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको नहीं बताते हैं, वो क्या करते हैं, आपको उसकी डेफिनेशन देते हैं और कुछ फॉर्मूले ड्राइव करके आपको बता देते हैं कि ये फॉर्मूले है, आप इसको रिवाइज कर लीजिए, एंट्रोपी यही होती है। बट ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, हम सबसे पहले समझेंगे कि एंट्रोपी का नेचर में क्या यूज है, किस लिए हमारी जो टर्म है एंट्रोपी क्यों आई। ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम कुछ फॉर्मूलाज जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वो हम ड्राइव करेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारा होता क्या एंट्रोपी का। देखो, एंट्रोपी जो है वो किस, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि एंट्रोपी किसी भी मान लेते हमारा पास सॉलिड है और वॉटर लिया है, किस इन दोनों में से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी या कौन से सिस्टम की हमारी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो एंट्रोपी जो होती है बच्चों हमारी, वो होती है हमारी मेजर ऑफ रेंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। मीन्स कि हमारा जो सिस्टम है कौन, किस सिस्टम के अंदर हमारी कितनी ज़्यादा रेंडमनेस है, या मैं कहूँ कितनी ज़्यादा हमारी जो एनर्जी है सिस्टम की स्प्रेड है। ठीक है, एक टर्म आती है बच्चों कंडेंस, एक होती है स्प्रेड। ठीक है, स्प्रेड मीन्स फैली हुई, कंडेंस मीन्स एक जगह इकट्ठी हुई हुई। ठीक है, जिस सिस्टम की एनर्जी या जिस सिस्टम के मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा स्प्रेड हुए होंगी, उस सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम। तो उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लासरूम है, आपने देखा होगा क्लासरूम में बच्चे सीट बैठे हुए होते हैं, बेंचेस लगे होते हैं और वो आराम से बैठे होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इस जो हमारा जो सिस्टम है यहाँ पर एनर्जी जो है कंडेंस हुई हुई है, मीन्स एक जगह पर सिमटी हुई एनर्जी है, वो स्प्रेड नहीं हुई हुई, बच्चे शोर नहीं मचा रहे। जब आप ग्राउंड में देखते हैं बच्चों को, कोई बच्चा इधर जा रहा है, कोई बच्चा इधर जा रहा है, कोई बच्चा इधर जा रहा है, तो मतलब रेंडमनेस है ज़्यादा। ग्राउंड में जब हम बच्चों को देखते हैं कि प्ले ग्राउंड में कोई बच्चा खेल रहा है, जब जब अब स्कूल की हम छुट्टी होती है तब हम देखते हैं तो कि बच्चे जो है इधर उधर घूमते हैं ज़्यादातर और भागते हैं, कोई बच्चा भाग रहा है, कोई बच्चा आराम से चल रहा है, कोई बच्चा खड़ा है। मीन्स इन दोनों केसेस में हमारे जो एनर्जी है मीन्स रैंडमनेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लासरूम। क्योंकि यहाँ पे तो सारे बच्चे सीटें हैं ना, आराम से ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं टीचर क्या पढ़ा रहा है, राइट। तो यहाँ पर एंट्रोपी हमारी कम है बिकॉज यहाँ पर रैंडमनेस बहुत कम है और एज कम्पेयर टू दिस सिस्टम यहाँ पर हमारी एंट्रोपी के ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पर बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है। इसीलिए हम कह सकते हैं एंट्रोपी ऑफ द स्टूडेंट्स इन प्लेग्राउंड इज ग्रेटर देन एंट्रोपी इन द क्लासरूम। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बात करें, अगर हम एग्जाम्पल लें कि हमारे पास सोलिड ले लेते हैं हम, और लिक्विड एंड गैस, इन तीनों के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि इन तीनों में से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है, क्या ऑर्डर होता है एंट्रोपी का। तो देखो, गैस में क्या होता है, हमारे पास हम एक कंटेनर लेते हैं उसके अंदर गैस फिल कर देते हैं, चाहे कमरा ले लो इसके अंदर बहुत सारी गैस है, राइट, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो थोड़ी अमाउंट में हो लेकिन है तो सही ना। ठीक है, इसमें इसका मतलब कि वो जो गैस होगी हमारी वो पूरे के पूरे कमरे के अंदर फैल गई होगी, जिसमें इनके जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रैंडमनेस है मींस कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा है, उनको कुछ ज़्यादा स्पेस मिल रहा है मूव करने के लिए। अगर उनको मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, मीन्स मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा कंटेनर ले लिया,
कोई हमने एक बड़ा कंटेनर ले लिया और उसके अंदर हमने क्या किया, गैस मॉलिक्यूल्स डाल दी, गैस डाल दी, थोड़ी गैस डाल दी, और उसी उतनी ही गैस हमने एक छोटे कंटेनर में डाल दी। ठीक है, अब देखो बड़े वाले कंटेनर में मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए, जिसमें वो अपनी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी उनकी वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा नहीं होगी, मीन्स ट्रांसफर कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन कम होगा, और वो रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होगी उनके अंदर। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि वही गैस उनको मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, राइट। अगर उनको मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट कि इनकी जो रेंडमनेस है वो क्या है, ज़्यादा है। अगर रेंडमनेस ज़्यादा है, तो मैंने अभी बताया था कि एंट्रोपी क्या होती है हमारी, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रेंडमनेस, जिसकी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा रेंडमनेस होगी उतनी ही उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। दिस इम्प्लाइज कंटेन गैस, सेम अमाउंट ऑफ गैस इन अ बिग कंटेनर, उसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा, एज कम्पेयर टू कंटेनर इन द स्मॉल, गैस इन द स्मॉल कंटेनर। ठीक है, अगर हमारी गैस छोटे कंटेनर में होगी तो उसको कम स्पेस मिलेगा ना मूव करने के लिए, इसलिए उसकी जो एंट्रोपी है वो क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू द बिग कंटेनर। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अगर हम यही एग्जाम्पल लें कि हम किसी गैस के साथ और वाटर के साथ कंपैरिजन करें, तो हम इजीली देख सकते हैं कि गैस जो है, रेंडमली मूव करा इधर उधर, बट वाटर के पास इतना सारा स्पेस नहीं, इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस ही अवेलेबल होता है। दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट कि गैस के अंदर जो रेंडमनेस होती है एज कम्पेयर टू वाटर इज हाई। अगर रेंडमनेस हाई है तो उसकी एंट्रोपी भी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू वाटर। किसी भी लिक्विड ले लेते हैं, अगर हम ये, अगर हम लिक्विड के बारे में बात करें या किसी भी जनरलाइज गैस के बारे में बात करें, तो गैस की एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि लिक्विड के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है उसके मॉलिक्यूल्स को मूव करने के लिए, इसके दिस इंप्लाइज उसका रेंडमनेस बहुत कम हो जाती है। और यही अगर हम सॉलिड के बारे में बात करें, जो हमारा कोई भी सॉलिड ले लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर होता है, राइट। जब आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे आता हो, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हमारे जो सॉलिड्स के अंदर क्रिस्टल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल जो है वो सॉलिड में ज्यादा मूव नहीं कर पाते हैं, और मूव ना कर पाने के कारण उनके अंदर रेंडमनेस बहुत ही कम होती है। ठीक है, रेंडमनेस कम होती है, दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट कि उसकी जो एंट्रोपी होगी, वो क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू एनी अदर स्टेट। ठीक है, दिस इंप्लाइज वी कैन राइट द ऑर्डर, हमने अभी अभी एक ऑर्डर देखा कि हमारी जो गैस की एंट्रोपी जो होती है वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में, और देन हमारे सॉलिड की सबसे कम एंट्रोपी होती है, क्योंकि वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, मूव न कर पाने के कारण उनकी जो रैंडमनेस होती है वो कम होती है, और कम होने के कारण उनकी जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो आपने अभी गैस का देखा, एंट्रोपी जो है ना बच्चों, हम एग्जैक्ट एंट्रोपी नहीं डिस्कस कर सकते, हम किसी एक रेफरेंस पॉइंट से हम बता सकते हैं कि उसकी एंट्रोपी कितनी ज्यादा है। ठीक है, मीन जैसे हमने पिछली जो हमने अभी अभी कंपैरिजन किया ना, हमने कहा कि गैस और वाटर का हमने कंपैरिजन किया कि इनमें किसकी एंट्रोपी ज्यादा है। ठीक है, तो हमें पता चला कि गैस की एंट्रोपी ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, बट मैंने आपको कभी गैस दे दी, एक दूसरी गैस दे दी, मैंने कहा किसकी एंट्रोपी ज्यादा है, आप नहीं बता सकते ऐसे ही। ठीक है, तो हम एक रेफरेंस पॉइंट लेकर चलना पड़ता है कि किस पॉइंट से हम किस चीज से मेजर कर रहे हैं, किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं उस सिस्टम को। ठीक है, तभी हम बता सकते हैं कि उस सिस्टम से हमारी जो गैस की एंट्रोपी है, या जो हमें दी गई है सिस्टम, उसकी कितनी एंट्रोपी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, देखो हम बात करते हैं कि हमारे एक और डेफिनेशन होती है एंट्रोपी की, जो मिली जुली सेम होती है। अगर हमारा कोई भी सिस्टम है उसके अंदर एनर्जी कंडेंस है, मींस एक जगह पर हमारी एनर्जी है जो सिमटी हुई है, स्प्रेड नहीं है, तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, क्योंकि अगर उसकी एनर्जी ही स्प्रेड नहीं हो रही है, वो एक जगह पर सिमटा हुआ है, तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, राइट।
अगर वैसे ही अगर हम दूसरी तरह से बात करें कि हमारा जो कोई भी सिस्टम है जिसकी जो स्प्रेड है ज़्यादा ज़्यादा क्या है स्प्रेड है, तो उसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी एज कम्पेयर टू द अदर सिस्टम जो हमने अभी भी बात करी जिसकी स्प्रेड है, स्प्रेड नहीं है। ठीक है, देखो हम अगर हम सॉलिड की बात करें, अगर हम आइस के बारे में बात करें और हम वाटर के बारे में बात करें, आइस के अंदर क्या होते हैं, आइस जो है क्लोजली पैक्ड होती है, मीन्स उसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हिल नहीं पाते। दिस इम्प्लाइज जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है वो एक ही जगह पर सिमटी हुई है। बट एज कम्पेयर टू अगर हम वाटर के बारे में बात करें, वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, मूव करती रहती है, मीन्स वो एक दूसरे से कोलिजन करते रहता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। दिस मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वाटर की वो स्प्रेड हुई होती है, स्प्रेड हुई हुई है एनर्जी एज कम्पेयर टू आइस। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज हम इस तरह से भी डेफिनेशन लेकर चल सकते हैं कि आइस की जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, लेस होती है, बिकॉज एनर्जी जो है कंडेंस हो चुकी है एक ही जगह पर मॉलिक्यूल्स की, वो स्प्रेड नहीं हो पा रही है, मॉलिक्यूल्स अपनी एक जगह से नहीं हिल रहे हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट वाटर के अंदर ऐसा नहीं होता, वाटर जो है मूव करते रहते, उनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो स्प्रेड हुई हुई होती है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, लार्ज होती है। ठीक है, तो ये था हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस एंट्रोपी का, कि किस तरह से हम फिजिकली डिफाइन कर सकते हैं या उसका क्या फिजिकल मीनिंग होता है एंट्रोपी का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एंट्रोपी को हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं। अगर हमें किसी भी एक टेम्परेचर पर एंट्रोपी को डिस्कस करना है, कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी दी गई है, लेट से बॉडी ए दी गई है, और उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर, मान लेते हैं कि हीट यहाँ से बाहर निकल रही है, कितनी हीट बाहर निकल रही है, मान लेते हैं कि डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गोइंग आउट फ्रॉम द बॉडी तो एट अ टेम्परेचर टी, देन व्हाट विल बी अवर चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी विल बी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, सॉरी टेम्परेचर, यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा, सिंपल टी आएगा। मैं ये लिख सकता हूँ कि चेंज इन जो एंट्रोपी है वो किसके इक्वल है, चेंज इन हीट एनर्जी, या मैं कहूँ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अपॉन एट अ टेम्परेचर टी। ठीक है, अगर मान लो कि इस बॉडी का टेम्परेचर इनिशियल था T2 और बाद में हो गया T1, हम ये नहीं ले सकते कि डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन T2 माइनस T1, उसके लिए हमारे पास एक अलग फॉर्मूला है, हम ये नहीं लिख सकते। बट अगर हमारा टेम्परेचर बॉडी का कोई भी कांस्टेंट है और उसके अंदर हीट टेक प्लेस हो रही है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो हीट एंट्रोपी है हमारी, उसको हम ये लिख सकते हैं कि चेंज इन हीट एनर्जी अपॉन टाइम, ओ सॉरी टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको ये लिख सकते हैं, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि अगर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ चेंज इन एंट्रोपी देखना है, इनफाइनाइट चेंज इन एंट्रोपी डीएस, बहुत ही स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, सॉरी डी टी नहीं आएगा, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, सिंपल टी। ठीक है, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि डी क्यू हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, दैट इज टी इंटू डी एस, राइट। तो देखो अगर फ्रॉम फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी वी, पी डी वी, राइट। अब मैं डी क्यू को मैंने अभी क्या लिखा, टी डी एस, टी इज द टेम्परेचर और एस इज द एंट्रोपी, टी डी एस इज टू डी यू प्लस पी डी वी। ये एक दूसरी फॉर्म आ जाती है हमारी लॉ ऑफ थर्मोडाइनिक्स, जिसका हम आगे चलकर बहुत ही ज्यादा यूज करने वाले। ठीक है, इतना समझ में आया, ओके। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको यहाँ पर दो चीजें समझने की जरूरत है अभी। पहला ये कि हमारा रिजर्वायर क्या होता है, व्हाट इज रिजर्वायर, और दूसरी ये कि रिजर्वायर और बॉडी के अंदर हमारा क्या डिफरेंस है। मैंने अभी बोला कि यहाँ पर आपकी बॉडी है, और अब मैं बता रहा हूँ कि हम जब रिजर्वायर के न्यूमेरिकल देखेंगे, हमारा रिजर्वायर होता क्या। ठीक है, देखो रिजर्वायर क्या होता है, नाम से ही हमारा क्लियर होता है, कुछ ना कुछ स्टोर कर रखा है इसने, रिजर्वायर, रिजर्वर मीन्स कुछ ना कुछ स्टोर कर रखा है इसने, या हम कहें एक टाइप का गोदाम जिसके अंदर हम कणक गेहूँ, मीन्स हमारी चीज़ें रिजर्व्ड है। ठीक है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमारी चीज़ें रिजर्व्ड ही रहेंगी। ठीक है,
गोदाम टाइप का, या फिर हम कुछ भी ले सकते हैं, रिजर्व हो। तो रिजर्वायर हमारा क्या होता है, कोई भी बॉडी होती है, एक टाइप की बॉडी होती है जिसके अंदर, जिसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे जितनी भी हीट इसमें ट्रांसफर कर लो चाहे ले लो, समझ रहे हो बात। मान लो कि ये हमारी ये बॉडी है ए, और अगर हम इसमें से हीट ले लेते हैं, क्या वो अमाउंट ऑफ हीट क्या ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, हीट ट्रांसफर कर लेते हैं फ्रॉम बॉडी ए टू सराउंडिंग, तो हमारे टेम्परेचर में तो चेंज आना चाहिए आइडियली, क्योंकि हमारा डेल्टा क्यू क्या हो रहा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। अगर हम हीट का चेंज करेंगे तो एम सी होते हैं यहाँ पे, एस मीन्स स्पेसिफिक हीट, आप समझ लीजिए यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो, एम सी डेल्टा टी होता है। अगर हम हीट के अंदर चेंज करेंगे तो हमारा टेम्परेचर के अंदर भी तो चेंज आना चाहिए, बट रिजर्वर के अंदर हमारा ऐसा नहीं होता, बिकॉज रिजर्वर जो होता है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रिजर्वर ऑफ हीट, मीन्स अगर हम उसमें से कोई कितनी भी हीट बाहर निकाल लें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, हमारा जो समुद्र होता है, समुद्र से आप एक मग पानी उठा लीजिए, मीन्स चाहे एक बाल्टी उठा लीजिए पानी समुद्र से, क्या उसमें कुछ पानी में कुछ फर्क पड़ जाएगा, या उसका पानी कुछ कम हो जाएगा, नहीं, उसके पानी में आप देखोगे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज उसके अंदर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पानी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जितने भी हमने पानी लिया, या एक मग हमने पानी लिया तो उसके अंदर बहुत सारा पानी है उतने जैसा, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हमारा जो रिजर्वर होता है उसके अंदर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड है, राइट, उसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड है। अगर हम उसमें थोड़ी सी भी हीट एनर्जी क्या ले लें, ले लें, तो उसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर ऐसे ही हम बात करें, हमारा कोई भी घड़ा ले लेते हैं जिसके अंदर पानी वो पूरा फुल है, घड़ा क्या है, बिल्कुल फुल है, अगर हम उसके अंदर थोड़ा एक बूंद पानी लेके ले लें, क्या उस घड़े के अंदर कोई फर्क आ जाएगा, या वो क्या वो आधा हो जाएगा, नहीं, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं आएगा अगर हम उसमें से एक बूंद पानी भी ले लें तो, राइट। तो ये मैं ये कह सकता हूँ कि जितना हमने पानी लिया उसके कंपेरिजन में उसके घड़े के अंदर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर है, जितना भी हमने पानी लिया उसके कंपेरिजन में कह रहा हूँ, ठीक है, यह बात आप हमेशा ध्यान रखना। तो वो क्या है, रिजर्वर है वाटर का, ऐसे ही समुद्र क्या हमारा रिजर्वर है वाटर का। तो इसीलिए हम रिजर्वर को थर्मोडायनेमिक्स में कहते हैं कि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर इनफाइनाइट है, वो हमारी हीट स्टोर्ड है, जब मैं कहूँ हीट ट्रांसफर होता है एट सेम टेम्परेचर टी, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारी क्या होता है, सिंपल बॉडी, वो क्या है, अगर हम उसमें से हीट का लॉस कराते हैं, मीन्स हीट का ट्रांसफर कराते हैं, तो उसका टेम्परेचर में चेंज आता है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जो हमने अभी भी पढ़ी। देखो मान लेते हैं कि अगर हम हमारी कोई बॉडी है बी, उसके अंदर से हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या फ्लो करवाते हैं, उसको हम देते हैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट, तो उसका टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से क्या होगा, चेंज होगा। मीन्स अगर उसका टेम्परेचर टी वन है तो बाद में उसका टेम्परेचर टी टू हो जाएगा जब हम उसके अंदर हीट फ्लो कराएंगे, मीन्स उसका टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट नहीं रहता, समझ रहे हो, उसका जो टेम्परेचर है वो हमारा कांस्टेंट नहीं रहता जब उसके अंदर हीट सप्लाई करवाते हैं, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बट रिजर्वर के अंदर हमेशा टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे, तो अब हम बात करते हैं, देखो हमने अभी अभी एंट्रोपी के बारे में डिस्कस किया था, एंट्रोपी क्या होती है, हमारी चेंज इन एंट्रोपी, हमने जितना बॉडी से हीट का फ्लो करवाया, या तो हमने उसको बाहर निकाला हीट को, या हमने दिया एट टेम्परेचर टी, राइट। तो देखो मैं आपको एक फॉर्मूला कराता हूँ, हमारा डेल्टा क्यू क्या होता है, अभी अभी मैंने पढ़ा, दैट इज डेल्टा यू प्लस पी इंटू डीवी, या मैं ये लिख सकता हूँ डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने अभी पढ़ा कि एम सी डेल्टा टी। अगर हम स्मॉल चेंज देखें कि डी क्यू इज इक्वल टू एन सी डी टी, वे सी क्या है हमारा, सी पी लिख देते हैं, सी क्या है हमारा, यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारी एंट्रोपी कितनी आ जाएगी, तो एन सी पी डी टी अपॉन टी, अगर हम इंटीग्रेट करें, हमारा इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, डेट इज एस विल बी इक्वल टू एन इंटू सी पी, डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, डेट इज एल एन टी, और कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है हमारी,
मान लेते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर है टी आई और फाइनल टेम्परेचर है टी एफ, तो हमारा कितना जगह टोटल चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू एन सी पी एल एन टी एफ अपॉन टी आई। तो ये हमारा फॉर्मूला था अगर किसी बॉडी से हमारी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। मींस मैं दोबारा लिख देता हूं यहां से, देखो टी एफ अपॉन टी आई, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में से हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो उसका हमें पता है कि टेम्परेचर टी वन से टी टू हो जाएगा। टी टू हमारा क्या है, फाइनल टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे टी टू लिया, और टी आई क्या हमारा इनिशियल टेम्परेचर, मान लेते हैं बॉडी का पहले का टेम्परेचर इतना था। अगर हम उसमें से हीट का फ्लो कराया और टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसमें से इतनी एंट्रोपी का चेंज होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम एक केस कंसीडर करें, मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है रिजर्वर है और मैंने एक बॉडी को प्लेस किया, इसके क्या क्या बॉडी को, ये हमारा क्या है रिजर्वायर और ये हमारी क्या बॉडी, इसका टेम्परेचर मान लेते टी था, मान लेते टी वन मान लेते हैं, इसका हमारा टेम्परेचर है टी टू, राइट। और टी टू जो है वो लेस देन है टी वन, मीन्स टी टू जो है लोअर टेम्परेचर पे है टी वन के, तो हमारे हीट टी वन से बॉडी के अंदर मीन्स रिजर्वायर से हमारे बॉडी के अंदर क्या करेगी, फ्लो करेगी हीट। अब रिजर्वायर जो है उसके अंदर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड है, उसका तो टेम्परेचर चेंज होना नहीं है, उसका टेम्परेचर तो चेंज होगा नहीं, बट के टी टू का तो होगा क्योंकि हमारे टी टू क्या है बॉडी है, उसके अंदर लिमिटेड हीट ही जा सकती है आ सकती है, ठीक है। तो अगर हम उसके अंदर हीट का फ्लो करवाएंगे तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, मान लेते हैं उसका टेम्परेचर जो है बाद में कितना हो गया टी थ्री हो गया, फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना हो गया डेट इज टी थ्री। तो अब मैं बताता हूँ कि आप पूरे के पूरे सिस्टम की क्या बताओ टोटल चेंज इन एंट्रोपी कितनी होगी, हम मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस पूरे के पूरे सिस्टम की टोटल चेंज इन एंट्रोपी बताओ। तो देखो अगर हम सबसे पहले बॉडी के बारे में बात करते हैं, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ बॉडी कितनी आएगी, अभी हमने डिस्कस किया कितनी होती है एन सी पी एल एन, कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ हमारा, कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ हमारा टी थ्री टी टू से टी थ्री में चेंज हुआ, बिकॉज टी टू क्या था हमारा इनिशियल टेम्परेचर था और टी थ्री हमारा फाइनल टेम्परेचर था, तो मैं लिख सकता हूँ कि टी थ्री अपॉन टी टू, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ बॉडी, राइट। और देखो हीट हमारी क्या है, और आपको यहां पर एक और चीज का ध्यान रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होते हैं हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे, क्योंकि हमें पता है कि डी क्यू अगर हमारा जो है बॉडी के अंदर जाती है, मीन्स बॉडी अगर हीट को अपने अंदर लेती है, हीट का ट्रांसफर हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो उसका जो डेल्टा क्यू होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर बॉडी हीट को लॉस करती है मींस हीट को सराउंडिंग में ट्रांसफर करती है, तो हमारा जो चेंज इन हीट एनर्जी होता है वो होता है लेस। तो उसी हिसाब से हमारा जो एंट्रोपी का साइन भी तो चेंज होगा, राइट। यहां पर देखो हीट का क्या हो रहा है, रिजर्वायर से बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रही है, मींस बॉडी जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रही है। अगर बॉडी हीट को एब्जॉर्ब कर रही है तो इसका मतलब एंट्रोपी में जो चेंज आएगा उसका क्या आएगा, इंक्रीज इंक्रीज होएगा, उसकी बॉडी में इंक्रीज होएगा ना उसका एंट्रोपी में। तो अगर हम बात करें सेम रिजर्वायर की, तो रिजर्वायर में चेंज कितना आता है, दैट इज चेंज इन हीट एनर्जी अपॉन टी वन, बिकॉज वो टी वन टेम्परेचर पे है, राइट। तो अब बात यह आती है कि सर डेल्टा क्यू हमारा कितना आएगा, बिकॉज टेम्परेचर में तो चेंज हुआ नहीं उसकी, तो क्या जीरो होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हीट दी है ना उसने रिजर्वायर को, सॉरी बॉडी को, रिजर्वर ने कुछ ना कुछ हीट दी है ना बॉडी को, तभी तो उसकी एंट्रोपी में चेंज आया है बॉडी की। अगर बॉडी अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ रिजर्वायर के, तो इसका मतलब ये भी तो होता है कि हमारा डेल्टा क्यू जीरो है, बट ऐसा नहीं होता। टेम्परेचर में बेशक चेंज ना हो तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि उसकी जो हीट की एनर्जी में जो चेंज है वो जीरो होगा, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। फॉर्मूले में बेशक ये है, बट ऐसा आप कभी भी मत करना किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हमारे बॉडी रिजर्वायर का टेम्परेचर में चेंज ना हो क्या उसकी हीट एनर्जी में कोई चेंज आएगा, मीन्स क्या उसका हीट का ट्रांसफर हमारा जीरो होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कितने हीट का ट्रांसफर हुआ, जितनी भी बॉडी ने
एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही हीट का ट्रांसफर होगा। जितनी बॉडी एब्जॉर्ब करेगा रिजर्वायर से हीट, उतनी ही तो हीट निकलेगी ना रिजर्वायर से बाहर, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि बॉडी ने कितनी एब्जॉर्ब करी हीट, हीट कितनी एब्जॉर्ब करी बॉडी ने, हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी कितने आया, डेट इज एन। किसकी एंट्रोपी है ये ध्यान रखना, ये बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, जो सी ले रहा हूँ सीपी, ये बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया, T3 माइनस T2, ये जो हीट है उसने बॉडी ने एब्जॉर्ब करी है। अब रिजर्वायर की कितनी हीट चेंज आएगी, वो माइनस ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी, मींस बॉडी ने जो हीट एब्जॉर्ब करी वो कितनी है, ये है हमारी, ये हमारी हीट है जो बॉडी ने एब्जॉर्ब करी, ठीक है। क्या यही इतनी ही अमाउंट ऑफ हीट रिजर्वायर ने बाहर निकाली या बॉडी को दी, मींस हीट का ट्रांसफर क्या हो रहा है, रिजर्वायर जो अपने सिस्टम से लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो हमारे अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो डेल्टा क्यू हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। मीन्स अगर हम इसका नेगेटिव साइन लगा दें तो हमारा ये हीट आ जाएगी, हीट ट्रांसफर फ्रॉम द रिजर्वायर, तो हमारी कितनी आ जाएगी, डेट इज एन सी पी T3 माइनस T2 आ जाएगी, बाय में कितना आएगा T1। तो ये जो चेंज हुआ, दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर और दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द बॉडी, तो ओवरऑल हमारा कितना चेंज आया, टोटल चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द बॉडी प्लस टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर। अभी हमने देखा कि बॉडी में कितना चेंज आया, दैट इज दिस, दैट इज एन सी पी एल एन T3 अपॉन T2 में इतना चेंज आया, और रिजर्वायर के अंदर कितना चेंज आया, दैट इज दिस विद माइनस साइन एन सी पी T3 माइनस T2 अपॉन T1। आई होप आपको ये समझ में आएगा, बिकॉज ये जो टॉपिक था ना, ये आपको इसलिए समझाने के लिए था कि आप समझ पाओ कि रिजर्वायर के अंदर से कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, कितनी हो रही है, जितनी बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। अगर आपने ये जो न्यूमेरिकल है आपने अच्छे से कर लिया तो बाकी के न्यूमेरिकल्स आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा केस हम ये ले सकते हैं कि हमारा जो T2 है, मीन्स जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है किससे, T1 से। मीन्स हम ये केस भी ले सकते हैं ना, अगर हम ये केस लें कि हमारा जो टेम्परेचर है T2 वो क्या है, ग्रेटर देन T1 है, तो मीन्स बॉडी अपनी हीट लॉस करेगी और रिजर्वर क्या करेगा, उस बॉडी के हीट को गेन करता रहेगा जब तक बॉडी का टेम्परेचर T1 नहीं हो जाता। देखो रिजर्वायर तो अपने टेम्परेचर चेंज करने से रहा, रिजर्वायर का कभी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर हम T1 क्यों ना कर दें, T2 से T1 क्यों ना कर दें, राइट। तो अगर बॉडी अपनी हीट को लॉस करेगा तो उसका टेम्परेचर में चेंज आएगा, और टेम्परेचर में तब तक चेंज आएगा जब तक वो रिजर्वायर के टेम्परेचर के इक्वल नहीं हो जाता, और जितनी भी हीट उसने ट्रांसफर की वो सब किस में जाएगी, रिजर्वायर के अंदर में जाएगी। तब बाद में क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में जाएंगे, मीन्स दोनों का टेम्परेचर बाद में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा फाइनल टेम्परेचर था, मैं जो पिछले केस की बात कर रहा हूँ, जब हमारा T2 जो था वो T1 से लेस था, उसका जो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T3 हो जाएगा, राइट। और कब तक जो बॉडी है वो हीट एब्जॉर्ब करती रहेगी, जब तक उसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो T1 नहीं हो जाएगा, मीन्स T3 विल बी इक्वल टू T1। रिजर्वायर अपनी हीट जो है तब तक बॉडी को देगा जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, ठीक है। मीन्स दोनों का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो इक्वल हो जाना चाहिए, चाहे हम कोई भी केस लें, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर के लेस देन रिजर्वायर के टेम्परेचर है तो बॉडी गेन करेगी हीट, कब तक गेन करेगी, जब तक उसका टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर के इक्वल ना आ जाए। अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिजर्वायर के टेम्परेचर में, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हीट को लूज करेगी, अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी, कब तक करेगी, जब तक रिजर्वायर के टेम्परेचर के इक्वल ना आ जाए। बट रिजर्वायर अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, वो अब जिद्दी है, समझ सकते हो, अब इस तरह से समझ सकते हो, रिजर्वायर बहुत जिद्दी है, वो अपना टेम्परेचर कभी चेंज नहीं करेगा, वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है, लेकिन अपना टेम्परेचर कभी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने की थी इसमें, तो आपको आई होप समझ में आई होगी। तो इसके जो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास और कुछ न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे,
एंट्रोपी के सेकंड पार्ट के अंदर, ठीक है। तो होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए होंगे कि एंट्रोपी का असली मीनिंग क्या होता है। तो सी यू सून, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।